नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ ने स्वार्म ड्रोन्स को आक्रामक भूमिका में दिखाया। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास किया। दुबई एयर शो में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपने आर्म क्वाड कॉप्टर को दिखाया। भारत के सशस्त्र बल अब नेट सेंट्रिक युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए अपनी संचार प्रणाली में सुधार कर रहे हैं। हालांकि वैश्विक टेंडर के माध्यम से संचार प्रणालियों में बदलाव के लिए पिछले कई प्रयास कई कारणों से विफल रहे। भारतीय सेना ने अपने कॉम्बैट नेट रेडियो को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से बदलने की घोषणा की है, जिसका निर्माण भारतीय कंपनियां करेंगी। भारतीय सेना में वर्तमान रेडियो सेट हार्डवेयर पर आधारित है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग रेडियो सेट होते हैं। भारतीय सशस्त्र बल जो पहले के रेडियो सेट का इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी क्षमता काफी कम है, जिसमें कि नेटवर्क सेंट्रिक संचालन के प्रसार को दुश्मन के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी एसडीआर इस तरीके की खामियों को दूर करेगा। एसडीआर में बढ़ी हुई डेटा ट्रांसमिशन क्षमता होगी, बढ़ी हुई आवाज और क्लियरिटी होगी। इसके अलावा किसी भी शोर वाले वातावरण में डेटा ट्रांसमिशन में सटीकता होगी। अत्याधुनिक प्रणालियां कई तरीके की वेवफॉर्म का समर्थन करती हैं, जिसमें दुश्मन के रडार का उपयोग करके संचार का पता लगाना और जाम करना कठिन हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी एसडीआर के सिस्टम के आउटपुट को जोड़ने, हटाने या फिर संशोधित करने की क्षमता के साथ लीगेसी सिस्टम के साथ इंटरऑपरेबिलिटी के प्रावधान भी होंगे। बता दें कि डीआरडीओ भी इस तरीके के मॉड्यूल्स पर काम कर रहा है और इंटरऑपरेबल एसडीआर संस्करणों के एक फैमिली को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। यानी कि अब भारतीय सशस्त्र बल एडवांस रेडियोस का इस्तेमाल करेंगे नेट सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए। डीआरडीओ ने झांसी में दुश्मन के इलाकों में आक्रामक मिशन को अंजाम देने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसमें मिश्रित संरचनाओं में काम करने वाले ड्रोनों के स्कोर को पहचान करके घेरने और लक्ष्य पर हमला करने के लिए इनका डेमोंस्ट्रेशन किया गया। और इस स्वार्म ड्रोन्स का निर्माण मेक इन इंडिया परियोजना का एक नया रूप है और डीआरडीओ की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। डीआरडीओ ने न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उड़ान भरने वाले 25 ड्रोनों की पूरी तरह से डेमोंस्ट्रेशन किया और उनका अलग अलग फॉर्मेशन दिखाया। यानी कि अब डीआरडीओ इस तरीके के स्वार्म ड्रोन्स को बना रहा है, जो कि अपनी आर्म्ड भूमिका यानी कि सैन्य भूमिका निभाने में कामगर होंगे और इनका इस्तेमाल आक्रामक रूप से किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास किया, जिसे ऑप हरकुलिस नाम दिया गया है। इस उच्च तीव्रता वाले एयरलिफ्ट का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में लॉजिस्टिक आपूर्ति को मजबूत करना और ऑपरेशनल क्षेत्रों में शीतकालीन भंडार को बढ़ाना था। इस एक्सरसाइज में C-17, IL-76 और AN-32 विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने पश्चिमी वायु कमान के एक अग्रिम बेस से उड़ान भरी थी। ये प्रयास भारतीय वायुसेना की भारी सामान उठाने की क्षमता का आकलन करने के साथ वास्तविक समय का प्रदर्शन करने को लेकर किया गया था, जिसका मतलब यह है कि किसी भी आपातकालीन या इमरजेंसी समय में तत्काल प्रभाव से जवाब देने की क्षमता को मजबूत करना है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने दुबई में चल रहे शो में कंपनी के द्वारा विकसित किए गए सशस्त्र क्वाडकॉप्टर ड्रोन का प्रदर्शन किया, जिसका इस्तेमाल स्वार्म ड्रोन्स के एक छोटे झुंड के हिस्से के रूप में जमीन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। और इस ड्रोन का 45 मिनट का होवर टाइम है और 1.5 किलोग्राम के पेलोड के साथ ये 32 मिनट तक का इसका होवर टाइम हो जाता है। ड्रोन का एम्प्टी वेट 16.5 किलोग्राम है और इसका अधिकतम वजन 17 किलोग्राम है। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन 1 किलोग्राम वर्ग के बम को ले जा सकता है। ड्रोन को 1.5 किलोग्राम हल्के सटीक गाइडेड मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। इसके अलावा इन मिसाइलों में सेमी एक्टिव लेजर होमिंग गाइडेंस सिस्टम भी लगा होगा। बता दें कि इस क्वाडकॉप्टर में लगी मिसाइलें 300 ग्राम के एंटी पर्सनल एंटी मटेरियल मल्टीपर्पज वॉरहेड को ले जा सकती है और ये दुश्मनों के हल्के वाहनों को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, ये था टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।